वो है कैटेटराइजेशन। कैटेटराइजेशन जो है आपका फाउंडेशन के टॉपिक है। कैटेटराइजेशन का मतलब क्या होता है कि कैथेटर जो है एक ऐसा जो मटेरियल है इसको हमने क्या करना है, इंसर्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, यूरिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब हमने क्या करना है, कैथेटर जो है वो हमने इंसर्ट करना है। कैथेटर जो है हम कब इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले अगर यूरिनरी रिटेंशन हो रखा होता है। रिटेंशन का मतलब ये होता है कि यूरिन जो है वो बाहर की तरफ जो है पास नहीं हो पा रहा है, ब्लैडर में यूरिन जो है एक एक्यूमुलेट हो जा रहा है, लेकिन वहाँ से वो क्या आगे की तरफ पास नहीं हो पा रहा है, तब हमने क्या करना होता है, ये कैथेटर लगाना होता है। दूसरा ये होता है कि अगर कोई भी यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रखा होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि वहाँ पर जो यूरिनरी ब्लैडर में जो स्पिंटर्स लगे होते हैं वहाँ पर वो लूज़ होने की वजह से यूरिन जो है जैसे ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है, वहाँ पर वो होल्ड नहीं कर पाता और बाद में अपने आप पास हो जाता है, दैट इज़ नोन एज अ इनकॉन्टिनेंस। तो उस टाइम में भी हमने क्या करना है, कैटेटर ये लगाना है। बाद में क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक का जो इन्फेक्शन है, पूरा यूरिनरी जितने भी ट्रैक हो गया वहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है, उसके वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, ये कैटेटर जो है हम लगाते हैं। उसके बाद क्या है, सर्जरी टेबल में भेजने से पहले, सर्जरी जो है वो प्रोसीजर जो है वो शुरू होने से पहले, सबसे पहले हमने क्या करना है, कैटेटराइजेशन करके ही जो पेशेंट जो है उसको ऑपरेशन रूम में भेजना बहुत ज़रूरी। ये दिस इज़ द मेन प्रोसीजर। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है दिया ऑलरेडी क्या होगा, अनकॉन्शियस वहाँ पर लाई कर रहे होंगे, तो अनकॉन्शियस के टाइम स्पिंटर्स जो है वहाँ पर कंट्रोल में नहीं रहता। सो बिकॉज जब सर्जरी के टाइम में कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, और इसी वजह से हमें कैटेटराइजेशन करके हमने पेशेंट को क्या करना है, उसको भेजना होता है। ओके, कैटेटराइजेशन में क्या ये हो गया इंडिकेशन कि कौन कौन से पेशेंट को हमने कैटेटराइजेशन करना है। कैटेटर जो है आपको कुछ ऐसा देखने को मिला है, ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं, एज के हिसाब से, अलग अलग एज फैक्टर के हिसाब से अलग अलग साइजेस के कैटेटर आती है। तो ये जो पॉइंट जो है यहाँ पे, ये जो पॉइंट जो है ब्लैडर के अंदर जाएगी, दिस इज नॉन एज अ ब्लैडर ओपनिंग। ब्लैडर ओपनिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ब्लैडर में ही जाके ये इंसर्ट होगा। साथ ही साथ क्या है, ये वाला जो स्पेस जो है यहाँ पे, ये बलून जैसा बन जाएगा। मैं आपको बताऊँगी अब आगे जाके कि बलून कैसे बनेगा। और ये जो है यहाँ पे बलून पॉट मतलब कि यहाँ के 10 ml NS नॉर्मल सेलाइन जो है 10 ml जो है यहाँ से हमने इंसर्ट करना है। और ये वाला जो एरिया है यूरिन ड्रेनेज, मतलब कि यहाँ पे यूरो बैग जो बोलते हैं, ये जो यूरो बॉक्स बैग्स होती है जहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्केल्स बने होंगे, तो ये वाला जो है हमने यहाँ पे इसको अटैच करना है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, ग्लव्स पहनना है, सबसे पहले हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद ग्लव्स पहनना है। ग्लव्स पहनने के बाद जहाँ पे हमने कैटेटराइजेशन करना है वो एरिया जो है उसको हमने अच्छे तरीके से उसको हमने साफ़ करना है, उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, अपने यहाँ ये जो एरिया होता है, ग्लव्स अपने पहना होगा, ये जो एरिया होता है यहाँ पे आपने ज़ाइलोकिन लगाना है। ज़ाइलोकिन जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ एनेस्थेशिया, तो ज़ाइलोकिन जो ऑइंटमेंट होता है वो लगाना है, आपने यहाँ पे रखना है। उसके बाद कैथेटर का जो वो रैपिंग होगा वो आपको खोल के उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पूरा ये जो एरिया होता है वहाँ पे हमने पूरा ये ऑइंटमेंट जो है लगाना है, ताकि क्या है कि पेशेंट जो है उनको ज़्यादा पेन ना हो और इजीली इंसर्ट हो जाए। ओके, उसके बाद क्या करना है, कैथेटर जो है हमने यहाँ इस पॉइंट से इंसर्ट करने लग जाना है। तो इंसर्ट करते हुए हमने यूरेथ्रा में ही इंसर्ट करना है। यूरेथ्रा में इंसर्ट करने के बाद आधा तक हमने इंसर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, हमने ये वाला जो एरिया यहाँ पे सिरिंज लगाना है, यहाँ पे 10 ml NS नॉर्मल सेलाइन 10 ml जो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हमने पुश कर देना है। पुश करने के बाद क्या होगा, ये सब कुछ करने से पहले से यहाँ पे यूरो बैग जो है यहाँ पे पहले से अटैच कर दे, ताकि क्या है जैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर कोई भी अगर वहाँ पे यूरिन जो है ऑलरेडी स्टोर होगा, तो फिर जैसे आप इंसर्ट करोगे वैसे ही वहाँ से यहाँ से लीकेज शुरू हो जाएगा। जस्ट बिकॉज वहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, वहाँ पे जगह जो है वहाँ पे स्पॉइल ना हो, दैट इज़ अ रीज़न यहाँ पे ऑलरेडी पहले से यूरो बैग जो है आपने लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम दिस एरिया वी हैव टू 10 ml का NS जो है वहाँ पे हम पुश करेंगे सिरिंज से। तो फिर क्या होगा,
एलिमेंट का एनएस जैसे यहाँ पे पहुँचेगी वैसे यहाँ पे ये बैलून जो है यहाँ पे बन जाएगा, ये एरिया जो है बैलून जैसा फूल जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, धीरे धीरे क्या है कैरेक्टर को बाहर की तरफ खींचना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये बैलून वाला जो एरिया जो है यहाँ पे वो स्टक हो जाएगा। अब बैलून वाला जो एरिया वो स्टक होने का मतलब ये है कि कैटेटर जो है बहुत एकदम सही जगह पे वहाँ पे कैटेटराइजेशन हो रखा है। उसका ये मतलब है कि द प्रोसीजर इज़ डन, इट इज़ पॉजिटिव। और उसके बाद क्या है कि जितना भी ये जो बैलून जो है यहाँ पे जो हमने 10 ml NS हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था, आफ्टर क्या है कि जब कैटेटराइजेशन जो है जब हमने उसको आउट करना होगा, तो वैसे ही जैसे हमने यहाँ से इंसर्ट किया था 10 ml NS वैसे हमने यहाँ से फिर से 10 ml NS जो हमें निकालना, उसके बाद कैटेटर उसको आउट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैटेटराइजेशन। आई होप कि आज का क्लास जो आपको समझ में आ गया। थैंक यू क्लास।